मुख्यमंत्री फ्री स्मार्टफोन योजना 2023। इसके तहत इस योजना के तहत आप सभी महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन वितरण कर रही है सरकार। तीन इसकी लगभग तीन लिस्ट तैयार की गई हैं। पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट में किन किन लोगों के नाम है, किन किन महिलाओं के नाम है, किन कैटेगरी की महिलाओं को लाभ मिलेगा ये भी बताएंगे। समूह की भी दीदियों को लाभ मिलेगा और मनरेगा की भी दीदियों को लाभ मिलेगा, शहरी और ग्रामीण सभी को लाभ मिलेगा और भी बहुत कुछ वीडियो में जानकारी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना फ्री मोबाइल का इंतजार खत्म। जारी हुई फ्री मोबाइल योजना की तीसरी लिस्ट। राजस्थान में इस साल यानी 2023 के अंत में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने द्वारा की गई सभी घोषणाओं को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसका लाभ कांग्रेस को आगामी विधानसभा के चुनाव में मिल सके। इन्हीं घोषणाओं में महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन वितरित करने का शामिल है। राजस्थान सरकार ने उस राज्य में 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को इंटरनेट सेवा के साथ स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के नाम से मुख्यमंत्री निःशुल्क मोबाइल योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। योजना के तहत लाभार्थी महिला मुखिया और जनाधार कार्ड धारक महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन वितरित करने की प्रक्रिया 10 अगस्त 2023 से शुरू हो चुकी है। राजस्थान के हर ग्राम पंचायत और वार्ड एवं ब्लॉक पर शिविर आयोजित कर महिलाओं को फ्री स्मार्ट योजना के तहत निःशुल्क मोबाइल फ़ोन डेटा सिम कार्ड के साथ दिया जा रहा है। ऐसे में फ्री स्मार्टफोन का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना 2023 की तीसरी लिस्ट को अपडेट कर दिया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि मुख्यमंत्री निःशुल्क स्मार्टफोन योजना की तीसरी लिस्ट किन महिलाओं को फ्री में दी जाएगी। प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को वितरित किए जाएंगे स्मार्टफोन। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में 10वीं 12वीं कक्षाओं में अध्ययनरत बालिकाओं, विधवा और एकल नारी पेंशन धारक महिला, चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया, ग्रामीण और शहरी रोजगार गारंटी योजनाओं में क्रमशः 100 और 50 दिन का कार्य पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला को, यानी कि रोजगार गारंटी का मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि मनरेगा में काम करने वाली महिला हो, उसने 100 दिन या 50 दिन का कार्य पूरा किया हो, उस महिला को दिया जाएगा। 3 साल का मुफ्त इंटरनेट रहेगा। डेटा कॉलिंग और मैसेज की सुविधा के साथ फ्री मोबाइल दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में राजस्थान के चिरंजीवी परिवारों को 40 लाख महिलाओं और छात्राएं 3 साल की फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ अपनी पसंद का स्मार्टफोन चुन रही हैं। योजना के दूसरे चरण में शेष 95 लाख महिलाओं को मुफ्त इंटरनेट डेटा सिम के साथ फ्री मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा। दूसरे चरण में कितना, 95 लाख महिलाओं को। 8 लाख महिलाओं और छात्राओं को मिला स्मार्टफोन। राजस्थान सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना 2023 के तहत राज्य में महिलाओं और स्कूली छात्राओं को मुख्यमंत्री मोबाइल योजना के साथ प्रथम चरण के तहत निःशुल्क फ़ोन मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री और लाभार्थियों को सिम कार्ड के साथ मोबाइल का वितरण महंगाई राहत कैंप के तहत लगे शिविर में किया जा रहा है। प्रदेश के हर जिले, ब्लॉक, ग्राम पंचायत पर लगे इन शिविर में फ्री मोबाइल का वितरण काम जोर शोर से चल रहा है। अनेक शिविर पर काफ़ी संख्या में भीड़ नजर आ रही है। योजना के तहत प्रथम चरण में अभी तक प्रदेश के 8 लाख उम्मीदवारों को निःशुल्क स्मार्टफोन वितरित किया जा चुका है। इनमें से करीब 2,48,973 छात्राएँ और 5,36,687 लाभार्थी महिलाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ मोबाइल दिया जा चुका है। तीसरी लिस्ट में मिल सकेगा उम्मीदवारों को स्मार्टफोन। अब तीसरी लिस्ट के बारे में जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री निःशुल्क मोबाइल योजना के तहत प्रथम चरण में उम्मीदवारों को 3 कैटेगरी में फ्री स्मार्टफोन दिया गया था। योजना की पहली लिस्ट में 10वीं 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा हो, आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता हो, निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण किया गया पहले लिस्ट में। दूसरी सूची में विधवा, एकल नारी पेंशन लाभार्थी महिला, ग्रामीण और शहरी रोजगार गारंटी योजना में महिला, यानी कि ग्रामीण और शहरी रोजगार गारंटी मतलब महात्मा गांधी नरेगा में काम कर रही हो,
या समूह से हो या 100 दिन का कार्य पूरा की हो, महिला उम्मीदवार को फ्री स्मार्टफोन दिया जाएगा। अगर योजना के तहत जिन उम्मीदवारों को पहली और दूसरी लिस्ट में मोबाइल नहीं मिले हैं तो उन उम्मीदवारों को तीसरी लिस्ट में मोबाइल मिल सकेगा। राजस्थान सरकार निःशुल्क मोबाइल योजना के तहत तीसरी लिस्ट में शेष महिला उम्मीदवारों और स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को शामिल करने की लिस्ट तैयार कर ली है। तीसरी सूची में शामिल शेष सभी उम्मीदवार को हर ग्राम पंचायत, हर जिला ब्लॉक में शिविर लगाकर फ़ोन वितरण किया जाएगा। अगर लाभार्थी महिला उम्मीदवार छात्राएं फ्री स्मार्टफोन स्कीम की तीसरी लिस्ट में अपना नाम देखना चाहती हैं तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकती हैं इस लिंक का। योजना की तीसरी लिस्ट सरकार द्वारा की जा रही है। नाम चेक करने के लिए अपनाएं यह प्रक्रिया। अगर आप लाभार्थी महिला उम्मीदवार छात्राएं फ्री स्मार्टफोन मोबाइल योजना 2023 की तीसरी लिस्ट में अपना नाम देखना चाहती हैं तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक करना होगा, क्योंकि शेष बची महिलाओं और स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं को सरकार ने योजनाओं की तीसरी लिस्ट में शामिल कर इस लिंक पर उपलब्ध करवाया है। नाम और स्टेटस चेक करने के लिए लाभार्थी उम्मीदवार को सबसे पहले राजस्थान जन सूचना पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और इसके बाद लाभार्थियों को होम पेज पर इंदिरा गांधी योजना की पात्रता के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा और इस पेज पर आपको जन आधार नंबर दर्ज करने करके सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसी के साथ आप फ्री मोबाइल योजना थर्ड लिस्ट में अपना नाम तलाश सकते हैं। तो यह स्मार्टफोन वितरण का जो शुभारंभ सरकार ने किया है, ये हमारी राजस्थान सरकार ने किया है, यानी कि जो महिला राजस्थान से निवास करती है उन महिलाओं को इस फ्री स्मार्टफोन योजना का लाभ मिल सकता है, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। और इसमें कई कैटेगरी की महिलाएं रखी गई हैं, छात्राओं को भी मिलेगा, 10वीं 12वीं वाली छात्रा जो पास हो गई हैं, 50-60% अंक उनके आए हैं उनको मिलेगा, महिला स्वयं सहायता समूह की दीदी को मिलेगा, साथ ही साथ मनरेगा की भी दीदी को मिलेगा, जो भी मनरेगा में श्रमिक का काम कर रही हैं या मिट का काम कर रही हैं उनको मिलेगा। और साथ ही साथ आपने देखा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि किन किन कैटेगरी की महिलाओं को इसका लाभ मिलने वाला है, तो बाकी ये जानकारी तो बहुत ही अच्छी थी। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप राजस्थान से हैं तो वहाँ पर आपको जानकारी आपको अपने ब्लॉक में मिल जाएगी, जा करके पता कर सकते हैं इसके लिए, और आपके ब्लॉक में या आपके ज़िले में या आपके ग्राम पंचायत में इस प्रकार का कैंप लगेगा जहाँ पर फ्री स्मार्टफोन के लिए आवेदन होंगे, और वहीं से आप अपना नाम भी देख सकती हैं या ऑनलाइन भी देख सकती हैं। मैंने आपको तरीका भी बताया है और तीसरी लिस्ट भी जारी की जा चुकी है जिसमें जिन जिन महिलाओं को ये मिलने वाला है फ्री स्मार्टफोन, जिन लोगों ने आवेदन किया था, तो आपने अभी तक नहीं किया था जल्द से जल्द जाएं आवेदन करें और फ्री स्मार्टफोन प्राप्त करें। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।